कोरोना से रिलेटेड हर खबर जानने के लिए खबर पर नजर को फॉलो करिए। इंदौर और मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए और लॉकडाउन की हर खबर जानने के लिए कोरोना बुलेटिन की सब बने रहिए। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करिए। धन्यवाद। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ दिनों में देखने आया था कि इंदौर में कोरोना किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए इंदौर के नगर निगम और प्रशासनिक ने इंदौर में 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था अपने मौके पर। आज सुनने में आ रहा है कि ये लॉकडाउन तो बड़ी तेजी से फैल रहा है और कोरोना किस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए इंदौर के नागरिक प्रशासन द्वारा पंचायत कलेक्टर द्वारा मीटिंग में जो निर्णय लिया, उसमें ऐसी संभावना है कि लगभग ये जो लॉकडाउन है ये पिछले शुक्रवार तक बढ़ने की संभावना है और काफ़ी हद तक इस प्रकार से कोरोना को रोका जाएगा ये तो नहीं मालूम, पर कोरोना किस प्रकार रोका जा सकता है उसके लिए आप हम सभी जिम्मेदार हैं। हम सभी को मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग की आवाजाही बिल्कुल है। अभी मैं हिंदुओं के प्रदर्शन राजवाड़ा पर हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की आवाजाही तो है पर लगभग ना के बराबर है और पुलिस प्रशासन यहाँ रोक रहा है सभी को, और जो एक तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए और आज की तारीख में लॉकडाउन की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और हो सकता है कि अपने शुक्रवार तक ये लॉकडाउन सतर्क बना रहे, प्रशासन की ओर से अभी इससे संभावना है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं खबर बनाने जैसे यहाँ खबर में हम कोरोना बुलेटिन। धन्यवाद। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है तो आज ही लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मस्सी की समस्या है? जलन व दस्त से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और आज और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।